संचार बंदी के दौरान दिन रात काम करने वाले पुलिस के जवानों के लिए शहर में कुछ संस्था युवाओं द्वारा पोहा और बिस्कुट का वितरण किया गया। नागपुर शहर के अधिकांश चौराहों पर अपनी सेवा दे रहे पुलिस कर्मियों को शहर के कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं अपनी ओर से दिन रात काम करने वाले पुलिस जवानों को पोहा और बिस्कुट का वितरण कर रही है। दर्शकों, जब से संचार बंदी लग चुके हैं तब से हम देख रहे हैं कि पुलिस वाले जो लगातार काम कर रहे हैं उनकी छुट्टियाँ भी कैंसिल कर दी गई है। सुबह से लेकर रात तक के दिन रात काम करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। ऐसे में जनजागृति का काम भी पुलिस बखूबी के साथ कर रहा है और उनके सेहत का ख्याल रखने का काम भी कुछ समाज के ऐसे युवा हैं जो रखना चाहते हैं, जिसके चलते उन्हें खान पान की जो चीज़ें होती है वो मुहैया करवाने का काम देख सकते हैं कि ये तमाम जो ये पुलिस वाले हैं। और ये जो आप सड़क जो देख रहे हो किंग्सवे की तरफ जाती है, सुचो पार्क की ओर ये जाने वाली सड़क है जो कि रेलवे स्टेशन के बिल्कुल आमने सामने में, और ये तमाम जो पुलिस वाले कामकाज कर रहे हैं, ऐसे में जिन लोगों का मैंने जिक्र किया ये वही नौजवान साथी है जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चलिए आइए उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि क्या नाम है आपके संस्था का, क्यों ये कामकाज कर रहे हो? हमारे संस्था का नाम है सार्वजनिक दुर्गा उत्सव मंडल अनाज बाजार इतवारी नागपुर। ये हम हर साल की तरह इस साल हर बार की तरह इस साल, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी ये कोरोना का जो इतना बड़ा एक खतरा है भारत के ऊपर एक मंडराया हुआ है, इसके ऊपर हम ये अभी जो गोर गरीब हो गए, ये पुलिस कर्मी मीडिया कर्मी आप जैसे सब लोग हैं, इनके लिए हम एक सहकार्य करके लिए हम यहाँ पे कुछ खाने की चीज़ें बोलो नाश्ते की चीज़ें हम ये इनको बांटते हैं, डोनेट करते हैं। कि जैसे कि कोई अभी आप देख सकते हैं कि ये रोड पे वगैरह कोई है जिनका कोई घर नहीं है कुछ नहीं है, वो लोग अभी कहाँ जाए, अभी इन ये लोग कैसी की भूखी पेट कैसे सोए, इसलिए हम ये कोई भूखा ना सोए, इसलिए हम ये जनजागृति करते हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि कोई भी आदमी रोड पे जो रहते हैं इनका कोई घर नहीं है कुछ नहीं, वो भूखा पेट ना सोए। अब आप ये बताएं कि जिस तरह से अलग अलग आप क्या मेन्यू में कुछ चेंजेस होते हैं? यस यस, हम हर रोज की तरह अभी आप देख सकते हैं कभी फल फ्रूट बांट रहे हैं, कभी चाय पानी नाश्ता देख सकते हैं आप, जैसे कि हम आज आलू पोहा वगैरह बांट रहे हैं, ये हम इस तरह के सर डेली अलग अलग तरह के हम करते हैं। बिल्कुल, समाज की और देश की सेवा करना यह हर किसी का काम होता है और इसी के चलते कुछ युवा साथी शहर के ऐसे जो बखूबी के साथ कामकाज कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस को भगाना ये किसी एक का काम नहीं, ये पूरे भारतवर्ष का काम है। और ये कोरोना तभी दूर होगा जब भारतवर्ष के तमाम 130 करोड़ लोग पूरी शिद्दत के साथ जब ये कामकाज करेंगे तब कोई कोरोना वायरस की रोकथाम हो सकती है। कोरोना वायरस को यदि दूर भगाना है तो हमें सबसे पहले उन आदेशों का, सरकार के आदेशों का पालन करना भी बेहद ज़रूरी है और समाज का जो सेवा है वो भी करना उतना ही ज़रूरी होता है। नागपुर से कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।